कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है फास्टेड कार्डियो। क्या सच में हमारा फैट बर्न होता है अगर मॉर्निंग में जाके खाली पेट कार्डियो करते हैं? अगर होता है तो कितना होता है? इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं डिटेल में और सिंपल तरीके से। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन फास्टेड कार्डियो से रिलेटेड मिस ना कर दें। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। हम बात करते हैं फैट लॉस की, तो हमारे आसपास के लोग सबसे पहले एक सलाह जरूर देते हुए मिलेंगे, और वो ये होती है कि अगर आपको अपना फैट ज्यादा बर्न करना है, जल्दी बर्न करना है, तो मॉर्निंग में जाकर खाली पेट कार्डियो करिए ताकि आप अपना ज्यादा फैट बर्न कर पाएं। क्या ये सच में होता है? ये वैसे बहुत लंबे टाइम से हमें रिकमेंड किया जाता जा रहा है, और आज की डेट में भी ट्रेनर हमें ये रिकमेंड करते हैं, अपने क्लाइंटों को रिकमेंड करते हैं कि मॉर्निंग में जाकर खाली पेट कार्डियो करिए तभी आपका ज्यादा फैट बर्न होगा। अगर हम थ्योरी के हिसाब से देखें तो ये बात सच भी लगती है, क्योंकि थ्योरी के हिसाब से जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल जो होता है वो डाउन होता है, और ऐसे में बॉडी को चाहिए एनर्जी। तो जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो बॉडी स्टोर एनर्जी को यूज करती है ताकि उस एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर सके, कंटिन्यू कर सके। इस हिसाब से तो आपका फैट लॉस होता है और लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। फास्टेड कार्डियो करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि बॉडी फैट को ब्रेक कैसे करती है, कब और कैसे यूज करती है एनर्जी में, ताकि हम अपना मैक्सिमम फैट बर्न कर पाए। अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कम टाइम में भी सही तरीके से अपना ज्यादा फैट बर्न कर पाएंगे। देखिए, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो बॉडी सबसे पहले जो एनर्जी यूज करती है वो यूज करती है कार्ब्स, यानी ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? आपके लीवर में, आपके मसल्स में, आपके ब्रेन में, आपके सेल्स में, जगह जगह वो स्टोर होता है, और ये बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है, इसलिए बॉडी इसको सबसे पहले यूज कर लेती है। और उसके बाद जब आपकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है तब वो फैट पे स्विच होती है। फैट एक एरोबिक फ्यूल है, मतलब ये तभी ब्रेक होगा जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस बढ़ जाएगी। और वो कब होगी? जब आप रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं, या किसी तरह की डांस एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन रनिंग कर रहे हैं, ऐसे में ऑक्सीजन की प्रेजेंस बढ़ जाती है। और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस बढ़ेगी तो आपका फैट जो है वो ब्रेक होता है और एज ए एनर्जी यूज होता है, इसीलिए फैट को बोलते हैं एरोबिक फ्यूल, और ग्लाइकोजन को हम बोलते हैं एनारोबिक फ्यूल। इसी वजह से हमारा फैट बर्न होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक स्प्रिंटर को लीजिए और एक मैराथन प्लेयर को लीजिए। स्प्रिंटर को रनिंग करनी होती है 100, 200, 400 मीटर की, जो उन्हें एक कम टाइम के अंदर उस डिस्टेंस को कवर करना होता है, तो उनको एक एक्सप्लोजिव एनर्जी लगानी होती है, एक्सप्लोजिव एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है तभी उस डिस्टेंस को कवर कर पाते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं पावर, यानी एनारोबिक एक्टिविटी। उसके अंदर बॉडी ज़्यादातर आपका ग्लाइकोजन यूज़ करती है। वहीं हम अगर मैराथन प्लेयर की बात करें तो उनको 5 से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है और लगातार दौड़ना पड़ता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं एंड्योरेंस बेस्ड वर्कआउट, यानी एरोबिक एक्टिविटी। उस टाइम उन्हें लगातार सांस लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि वो बीच में रुक के पहले सांस लेंगे फिर वो दौड़ेंगे, उनको लगातार सांस लेनी पड़ती है, और उसी टाइम पे आपकी बॉडी का जो फैट है वो ब्रेक हो रहा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस बढ़ जाती है और बॉडी उस फैट को ब्रेक करके एज एनर्जी यूज करती है ताकि वो मैराथन प्लेयर अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सके। इसीलिए आपका फैट जो है वो एक एरोबिक एक्टिविटी के टाइम पे ही बर्न होता है। अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि फैट बर्न कैसे हो रहा है। अब आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि फैट किस इंटेंसिटी में बर्न होगा। क्या सच में अगर आप फास्टेड कार्डियो कर रहे हैं या आप कोई मील लेकर के कार्डियो कर रहे हैं उससे सच में फर्क पड़ता है क्या फैट लॉस के ऊपर? वो भी समझ लीजिए। बॉडी हमेशा, ये स्टडी में प्रूव हो चुका है कि बॉडी 55 से लेकर 70% के रेंज में ही अपना फैट बर्न कर पाती है, यानी आपका जो भी मैक्सिमम हार्ट रेट है उसका 55 से लेकर 70% के बीच में अगर आप अपनी हार्ट रेट को मेंटेन करते हैं तभी आप अपना मैक्सिमम फैट बर्न कर पाएंगे, और इसको हम बोलते हैं लो इंटेंसिटी वर्कआउट, यानी लो इंटेंसिटी कार्डियो, क्योंकि आप ना ज्यादा तेज भाग सकते हैं ना बिल्कुल वॉक कर सकते हैं, ऐसे में आपका फैट लॉस नहीं होने वाला। तो उसके लिए जैसे ब्रिस्क वॉक या हल्की सी जॉगिंग टाइप में जब हम करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस बढ़ जाती है और हमारी स्टोर एनर्जी के तौर पे हमारा फैट यूज होता है। तो अगर आपको अपना फैट बर्न करना है तो आपको अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट का 55 से लेकर 70% के बीच में हार्ट रेट रखनी होगी तभी आप अपना मैक्सिमम फैट बर्न कर पाएंगे। अब बात यह आती है कि फास्टेड कार्डियो करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आधे लोग आपको रेकमेंड करेंगे कि फास्टेड कार्डियो करिए और आधे लोग बोलेंगे कि नहीं आप ब्रेकफास्ट करके भी जा सकते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टडी में प्रूव हो गया कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस होता है तो आपकी डाइट, आप डेफिशिएंट में है या नहीं, आप किस इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर रहे हैं, इससे आपके फैट लॉस पे फर्क पड़ता है। आप कितनी कैलोरी इंटेक कर रहे हैं वर्सेस आप कितनी कैलोरी जो है वो बर्न कर रहे हैं, इससे आपके फैट लॉस पे फर्क पड़ता है, ना कि मॉर्निंग में खाली पेट कार्डियो करने से आपके फैट लॉस पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि हमें करना चाहिए कि नहीं, आप कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो खा के कार्डियो नहीं कर सकते हैं, यानी कुछ खाने के बाद कार्डियो नहीं कर पाते हैं, तो बेटर है कि आप मॉर्निंग में जाके खाली पेट कार्डियो कर लें, कोई इशू नहीं है,
तब भी आपका फैट बर्न होगा। बस आपको अपनी इंटेंसिटी पर ध्यान देना है। अगर आप एक ऐसे पर्सन है कि आप खाली पेट कार्डियो नहीं कर सकते, तो आप अपना मील लेके जाइए, तब कार्डियो कर लीजिए, तब भी आप उतना ही फैट बर्न करेंगे जितना एक फास्टेड कार्डियो जोन में आप अपना फैट बर्न करेंगे। दोनों में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बहुत माइनर सा फर्क है। बढ़िया स्टडी में प्रूव हो गया है कि आप फास्टेड कार्डियो करें या आप फैट कार्डियो करें, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है आपके फैट लॉस पे। अगर फैट लॉस पे फर्क पड़ता है तो वो पड़ता है आपकी इंटेंसिटी पे, और वो इंटेंसिटी आपको रखनी है 55 से लेकर 70% आपके मैक्सिमम हार्ट रेट का। अगर आपको अपनी हार्ट रेट का मैक्सिमम नहीं निकालना आता है, तो वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट है जो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट का 70% कैलकुलेट करके आपको दे देंगी। तो कोशिश करें कि उसी जोन के अंदर आप अपना कार्डियो करें। और मैं अगर आपको रिकमेंड करूंगा तो लो इंटेंसिटी कार्डियो करिए। आप बीच बीच में हिट भी वर्कआउट कर सकते हैं, करिए, अपने आप को ट्राई करिए, नई नई तरह की वर्कआउट करिए, ताकि आप हर तरीके से अपना फैट बर्न कर सके। बट अभी तक आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि फास्टेड कार्डियो करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है फैट लॉस पे। आप कर भी सकते हैं और आप मील लेके भी कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा वीडियो जो था वो फास्टेड कार्डियो के ऊपर था, कि बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है और बहुत से लोग मुझसे पूछते भी हैं कि भैया हम सुबह जाकर के खाली पेट वर्क कार्डियो कर लें, उससे हमारा ज्यादा फैट लॉस होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप खाली पेट भी कर सकते हैं और मील लेके भी कर सकते हैं, बस आपको अपनी इंटेंसिटी पर ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो जो फास्टेड कार्डियो से रिलेटेड थी वो आपके क्लियर होने होंगे सारे डाउट। आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी और मैंने कोशिश किया कि सिंपल तरीके से आपको समझा पाऊं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह जाता है, जो को मैं इस वीडियो में नहीं क्लियर कर पाया हूं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख सकते हैं, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक इसके ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, उस टॉपिक को कवर करूं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिए, ताकि उस वीडियो को मैं जल्दी से जल्दी आप तक लेके आऊं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक आए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखें अपना ध्यान, अपनों का भी ध्यान। टेक केयर, बाय।